हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस दो संख्याओं में हम संबंध स्थापित करते हैं रेशियो के द्वारा। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डाटा, अलग अलग संख्याओं में हम संबंध स्थापित करते हैं तो रेशियो उसको कहते हैं। इसको यूनिट्स में या परसेंटेज में या टाइम्स में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि न्यूमरेटर में कोई चीज़ होगी और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होगी तो उसे टाइम्स में निकाल देंगे कि कितने टाइम्स हुए, या परसेंटेज में व्यक्त किया जा सकता है, ये यूनिट्स में व्यक्त किया जा सकता है। तो संख्याओं में, ये दो संख्याओं में आपस में देखेंगे तो उसमें हम रिलेशन स्थापित करेंगे रेशियो के द्वारा। जैसे कि अकाउंटिंग में इसको हम पढ़ रहे हैं तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं अकाउंटिंग में, तो उसमें हम संख्याओं का, किसी संख्या का किसी संख्या के साथ संबंध होता है और उसको हम रेशियो के तौर पे निकालते हैं और संबंध स्थापित करते हैं कि उनमें आपस में क्या रेशियो है। इससे ये होता है कि हम करंट ईयर का को कोई रेशियो निकालें किसी मद का, ठीक है, और उसको पुराने साल पुरानी ईयर के रेशियो से तुलना कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा या घटा रेशियो को निकाल करके, तो जिससे कि तुलना आसान हो जा सकती है और हम उससे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसमें प्लानिंग में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये काम है रेशियो निकालने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट में तो एनालिसिस करने, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कर रहे हैं तो ये रेशियो एनालिसिस एक महत्व का स्थान रखता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ बनते हैं? अकाउंटिंग में बनते हैं। तो इससे क्या होता है रेशियो से, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं और जिससे कि हमको सिंप्लीफाइड, सिस्टमेटाइज और समराइज्ड, मतलब एक एक समरी निकल आती है, सिस्टम तय हो जाता है उसमें, और सिंपली सिंप्लीफाई सरल हो जाती है वो, ये सब हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उससे जब हम उसको एनालाइज करते हैं रेशियो के मार्फत, रेशियो जब निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं और उसके बारे में हम इंटरप्रेट करते हैं, डिसीजन देते हैं कुछ, या लिक्विडिटी चेक करनी होती है, सॉल्वेंसी चेक करनी होती है, मतलब कि लिक्विडिटी तरलता चेक करनी होती है, इफिशिएंसी चेक करनी होती है, या किसी बिजनेस कंसर्न की फाइनेंशियल साउंडनेस है कि कितनी वो मजबूत है, ये सब तय करते हैं। ठीक है, तो उसको विश्लेषण करने का काम है कि पुराने, इस साल से पुराने मुकाबले क्या था, ये पिछले और सालों में क्या इनमें संबंध है और क्या घट रही है, क्या चीज़ को क्या चीज़ बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से करा जाता है। तो ये बिजनेस कंसर्न से रिलेट होती है, ये सब जो डेटा होते हैं बिजनेस कंसर्न से रिलेट होते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डाटा को हम संबंध स्थापित करते हैं वेरियस डाटा में, जिसका जिससे संबंध हो सकता है और हमारे लिए उसका महत्व है, तो हम उसको निकालते हैं। यूनिट्स में भी व्यक्त कर सकते हैं, परसेंटेज में भी व्यक्त कर सकते हैं और टाइम्स में भी व्यक्त कर सकते हैं। और इनका विश्लेषण करने के बाद हम इसके ऊपर इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं और कंक्लूजन, निष्कर्ष ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो एनालिसिस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए कि इस साल की तुलना पिछले साल से कर रहे हैं, तो जो रेशियो निकालेंगे इस साल और पिछले साल, उनके अकाउंटिंग मेथड में चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना चाहिए। ओरिजिनल डेट वही रहना चाहिए, जैसे ईयर ना चेंज होना जाए, कि जो हमारे अकाउंट, जो अकाउंटिंग ईयर चलना है, फाइनेंशियल ईयर चलना है, वो वैसे ही रहना चाहिए। तो इस तरीके, और एक स्टैंडर्ड रेशियो को हम मान लें, उसी हिसाब से हम कंपैरिजन कर ले सकते हैं। ठीक है, प्राइस लेवल में चेंजेस ना हो, प्राइस लेवल में अगर चेंजेस आ गए तो हमारे रेशियो पुराने साल और इस साल की हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूरी नॉलेज के साथ इसका हमको, तभी पूरी नॉलेज हो तभी हमको इसको रेशियो एनालिसिस करना चाहिए और रेशियो को निकालना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस साल को हम पुराने साल से कंपेयर कर सकते हैं, बिजनेस की, बिजनेस कंसर्न से जो हमारे डेटा संबंध है उनकी को, उनको हम विश्लेषण करके हम डिसीजन दे सकते हैं कि हमारी साउंडनेस कितनी है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है घटी है, लिक्विडिटी कैसी है, और इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं रेशियो एनालिसिस, रेशियो निकाल कर रेशियो को एनालिसिस करके। तो
ठीक है। और तो मुख्यतः चार तरीके के हमारे ये रेशियो को हम निकाल सकते हैं, मुख्यतः चार तरीके होते हैं रेशियो को डिवाइड किया गया, रेशियो चार तरीके के निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। नंबर सेकंड पे होते हैं टर्नओवर रेशियो, जिसमें टर्नओवर देखते हैं, ठीक है, टर्नओवर रेशियो या रेशियो या एक्टिविटी रेशियो इसको, और पहले में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, ठीक है। नंबर वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर सेकंड टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो, और नंबर थर्ड पे डालते हैं लिक्विडिटी रेशियो, तरलता वाले, और नंबर फोर्थ पे आते हैं सन्ड्री एसेट्स के रेशियो। तो इसको हम बारी बारी से अपने अगले वीडियोस में कि कैसे निकालते हैं इन रेशियो को, ठीक है, और उसमें कैसे डिसीजन देते हैं, हर एक पर्टिकुलर रेशियो के बारे में बताएंगे, तो उसको फॉलो करें। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।